गृहमंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम तेलंगाना जा रही है और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम हैदराबाद में कांग्रेस कार्यालय भी जा सकती है पूछताछ छानबीन के सिलसिले में। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री का एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करने वाले कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ के लिए नोटिस दे सकती है, और यहां तक कि तेलंगाना के सीएम को, मुख्यमंत्री को भी नोटिस थमाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा एडिटेड मामला भ्रम पैदा करने वाला, गलत प्रचार करने वाला, अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस की सख्ती हमें देखने को मिल रही है। गृह मंत्रालय भी एक्शन में है, तेलंगाना सीएम को भी नोटिस इस मामले में थमाया जा सकता है, तो वीडियो शेयर करने वाले कांग्रेसियों को भी नोटिस दे सकती है पुलिस। गृहमंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो पर पुलिस की जो जांच है वो तेज हो चुकी है, और जांच की आंच तेलंगाना के तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन तक भी पहुंचे, और हो सकता है कि सीएम तक भी पहुंचे, नोटिस उनको भी दिया जाए इस मामले में। तो तेलंगाना में कांग्रेस दफ्तर भी जा सकती है पुलिस की टीम, ये सोर्सेज बता रहे हैं, विश्वसनीय सूत्र। तो ये पूरा जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ, और बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर पलटवार भी किया है। तो गृहमंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर यह बड़ी खबर, एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम तेलंगाना जा रही है। चलिए इस पर आप सभी तक और जानकारी पहुंचाएंगे, अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या है ये पूरा मामला बता दीजिए, और इसको लेकर किस तरह से हरकत में है, एक्शन में है पुलिस? देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो तकरीबन 5 मिनट के बाद 12 बजे का वक्त है हैदराबाद पहुंचने का, 12 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम एयरपोर्ट से सीधा जो कांग्रेस दफ्तर है वहां पर जा सकती है, नोटिस सर्व कर सकती है। जिस तरीके से जो गृहमंत्री अमित शाह हैं उनके जो एडिटेड फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए थे, उसमें कुछ तेलंगाना कांग्रेस के पदाधिकारी भी है जिन्होंने वीडियो को शेयर किया था, तो उनको नोटिस देकर उनसे पूछताछ की जाएगी। कल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी डिफरेंट सेक्शन में आशुतोष, और उसके बाद जांच में तेजी लाई गई, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स और फेसबुक उससे भी, उसको भी बाकायदा एक तरीके से नोटिस भेजा गया है, उससे भी डिटेल्स मांगी गई है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले ये एडिटेड वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पर डाला। साथ ही साथ आज तेलंगाना के लिए रवाना हुई है दिल्ली पुलिस की टीम, और 12 बजे तक पहुंच जाएगी। जी अरविंद, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए।